ठीक है साथ अमन लख नवाजरा वर्सेस गसो का मैच है, यह लख नवाजरा की टीम और यह है गसो की, गसो की पहली रेड। गमोर और नंदर सी भाई अगला मैच, गमोर और नंदर सी बैग बैग दे दी मैच आ रहा है। हमारे बीच अनिल लोटा जी एईओ और राकेश हुड्डा जी एईओ, दोनों का बहुत बहुत स्वागत यहाँ पहुंचने पर, और श्री जय भगवान पीटीआई जी जो इनके साथ नवीन पीटीआई जी और जय भगवान पीटीआई जी। साथ का फुल डिफेंस बहुत ही अच्छा एंड टच रेड रिसेप 1 पॉइंट। अनिल हुड्डा एईओ का और राकेश जी का हम चार पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और साथ में जय भगवान पीटीआई। नवीन काट्याल जी जो पीटीआई हमारे स्कूल में, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। राकेश श्रीवास जी का AAAU का हम गांव लांडल में स्वागत करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे ठीक है, और हमारा जब जो ये टीम है एक टीम के रूप में कार्य करते हैं, इन्होंने स्टेट में सकुल स्टेट में जो पानीपत हुई थी अंडर 17 इस टीम का नेतृत्व किया था, और इसी गांव से 6 बच्चे ने स्टेट में पार्टिसिपेट किया था। इनका हम गांव नंबर में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और स्टेट के अंदर इनके नेतृत्व में हमारी जो टीम थी, इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था, ये बधाई में पात्र हैं जिन्होंने इस गांव से अच्छे खिलाड़ी निकाले हैं, आगे बढ़ाए हैं, अपना सहयोग किया है।
आभारी है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अनिल हुड्डा जी, राकेश जी, खिलाड़ियों को जो तैयार करते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, भाई जयवान जी, राकेश जी, अनिल हुड्डा जी, इनके मार्ग से बच्चे आगे निकलते हैं, खेलते हैं। इनका हम गांव मंगल में स्वागत करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म होता है जिसके द्वारा बच्चों को आगे निकाला जाता है। इस प्लेटफॉर्म के द्वारा आगे बच्चे हिंदुस्तान का, अपने राज्य का और जिले का, अपने गांव का नाम रोशन करते हैं। क्योंकि खेलों के अंदर बहुत ही अगले रहते हैं, इनकी अच्छी रुचि है, जो अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकालते हैं, बात करते हैं। ठीक है, 7 हाफ टाइम के बाद फिर से गांव मंदिर में कार्यरत है, वो भी खिलाड़ियों को तैयार करने में, आगे बढ़ाने में अहम योगदान रहता है। क्योंकि स्कूली जो लेवल होता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल, हरियाणा राज्य का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, अच्छे खिलाड़ी तराशने का काम करते हुए इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। हम आभार व्यक्त करते हैं गांव मंदिर में पहुंचने पर इनका। खेलों में इनका अहम योगदान, सहयोग होता है, साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी, खेल के साथ साथ सामाजिक कार्य अच्छी प्रतिभा के धनी है। हम इनका स्वागत करते हैं। हाफ टाइम के बाद ये एक बार ऑफिशियल साहबान से रिक्वेस्ट है कि बीच में एक बार जरा मैच इस रेड के बाद मैच रखवाए। हमारे जो बीच में मुख्य अतिथि जो पहुंचे हैं, समय का अभाव है, एक बार आशीर्वाद देंगे, एक बार लाइनअप, एक बार दोनों टीमें लाइनअप हो जाए, बेटे लाइनअप हो जाए, सभी ऑफिशियल साहबान से एक बार मैच रखवाए। पहले ग्राउंड नंबर 2 पर ग्राउंड नंबर 2 पे एक बार आशीर्वाद देकर सम्मानित करेंगे इन छोटे खिलाड़ियों को। अनिल हुड्डा जी और साथ में राकेश जी, जय भगवान जी, जो कि स्कूल से अच्छे अच्छे खिलाड़ी तराशने का काम करते हैं और आगे जाकर ये बच्चे स्कूल के अंदर ब्लॉक लेवल पर अपने स्कूल का नाम रोशन करते हैं, जिले में अपना ब्लॉक का नाम रोशन करते हैं
और हरियाणा पर हरियाणा स्टेट का प्रतिनिधित्व करते हैं, अपने जिले का नाम रोशन करते हैं। इन्हीं के माध्यम से सगोल का जो प्लेटफॉर्म होता है इन्हीं के माध्यम से चलता है और अच्छे अच्छे खिलाड़ी आगे निकालते हैं स्कूल लेवल के ऊपर। इनका गांव नांगल के अंदर पांव धरती पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि इन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर बच्चों को आशीर्वाद देकर इनका हौसला अफजाई की आगे बढ़ाया। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी रहेंगे। और अभी जो हाल ही में पानीपत जिले के अंदर अंडर 17 की जो स्टेट हुई थी, राज्य प्रतियोगिता हुई थी, उसमें जो रोहतक की जो टीम थी उसने गोल्ड मेडल हासिल करने का काम किया था। इन्हीं के माध्यम के द्वारा जो जिला स्तरीय प्रतियोगिता स्टेट लेवल की जो प्रतियोगिता हुई थी स्कूली लेवल की, उसमें इन्हीं के माध्यम से जो हमारे गांव से नांदेड़ गांव से 6 खिलाड़ी 8 खिलाड़ी नांदेड़ गांव से थे जिन्होंने गोल्ड मेडल लेकर अंडर 17 के अंदर गोल्ड मेडल हासिल किया। इन्हीं के मार्गदर्शन से हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अनिल हुड्डा जी का। इसी के साथ मैच समाप्त और लखन माजरे की टीम जीती है इस मैच में।